सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र के मारकुंडी मोड़ के पास आज तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां स्कॉर्पियो टायर फटने की वजह से ड्राइवर की दूसरी तरफ जाकर सामने से आ रही डायल 100 की गाड़ी से टकरा गई। इस हादसे में एसडीएम समेत 4 लोग घायल हो गए। इसके बाद सभी को जिला अस्पताल लाया गया, जहां एसडीएम और एक अन्य सिपाही की हालत तो सामान्य बताई जा रही है, लेकिन एसडीएम के गार्ड को वाराणसी रेफर कर दिया गया है और एक सिपाही का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं एसडीएम का कहना है कि संभवतः स्कॉर्पियो का टायर फटने की वजह से यह घटना हुई है। वो सभी रॉबर्ट्सगंज से दुद्धी की तरफ जा रहे थे। कमर में चोट लगी हुई है और एक होमगार्ड थे देवेंद्र कुमार मिश्रा 50 साल के, जिनको हेड इंजरी हुई है, वो ज़्यादा सीरियस हैं, इनको हम लोग रिफर कर दिए हैं ट्रॉमा सेंटर बनारस के। दूसरे हैं सीपी राम कुमार पाल कांस्टेबल हैं, जो 100 डायल के हैं, इनको हेड इंजरी आई है। फिलहाल एसडीएम साहब और एक सिपाही की हालत सामान्य बताई जा रही है। एसडीएम की कमर में चोट आई है, जिनका इलाज चल रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोनभद्र से संतोष जायसवाल की रिपोर्ट।